जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान अंसारी, आप सभी का हमारा चैनल में स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं भिन्न का जोर, घटा, गुना, भाग, सब है एक साथ, यानी सब है एक साथ है, जो कि आपको सॉल्व करके हमको बताना है, ठीक है। और गाइस, आपको इसको इस वीडियो को डिटेल से देखना है, आज आपको बारीकी से हम बताने वाले हैं, और वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको डिटेल से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जोर, घटा, गुना, भाग, ऐसे आप भिन्न का जोर बनाएंगे, भिन्न का घटा, दोनों साथ साथ तो बना होगा, लेकिन भिन्न का गुना और भाग जो आ जाता है, थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है कि क्या करें, पहले जोर करें, घटा करें, गुना करें, भाग करें, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। वीडियो को लेकिन अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखो, हाँ, यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइस, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 भिन्न है, और पांचों भिन्न में पहला भिन्न गुना है, दूसरा में आपका है जोड़ है, और तीसरा आपका भाग है, और चौथा घटा है, ठीक है। यही आपका चार चिन्ह है, जोड़, घटा, गुना, भाग, चारों है इसमें, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बता ही चुके हैं कि सबसे पहले भाग करना है, भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, और जोड़ के बाद घटा करना है। तो सबसे पहले आपको भाग करना है गाइस, तो भाग का तो नियम जानते ही है, चलो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4/5 फिर गुना, 4/5 फिर आपका गुना हो जाएगा, यहाँ पर 6/4 उसके बाद फिर आ जाएगा प्लस 3/6। अब गाइस, जैसे ही हम गुना करेंगे, ठीक है, यानी भाग को सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करने का विधि क्या होता है गाइस, भाग को जब भी सॉल्व करेंगे तो ये अंश हर बन जाता है, यानी भाग को हम गुणा के रूप में पहले चेंज करते हैं, जब भी गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो भाग क्या होता है, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, यानी कि ये आपका ऊपर चला जाएगा और हाई वाला ठो आपका नीचे चला जाएगा, यानी आई बात समझ में, ये नीचे आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है। तो गाइस, हम यही करेंगे, भाग से जब गुणा में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 6/8 आपका नीचे हो जाएगा 8, 6/8 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आपका हो जाएगा 5/4, माइनस आपका 5/4 हो जाएगा। अब गाइस, यहां पर सॉल्व कैसे करें, अब तो गुणा के रूप में आ गया, गुणा सॉल्व करना थोड़ा इजी है, ध्यान से सुनो कैसे करना है। अब यहां पर कितना है आपका, ये आपका पूरा गुना हो गया। अब इसको गुना के रूल से, जिस तरह गुना किया जाता है उस रूल से तोड़ सकते हैं। सेकंड आपका गुना जो है, आपका सेकंड गुना ये वाला हो गया, ठीक है, सेकंड गुना आपका ये वाला हो गया, यानी कि आपको ये और ये आपका गुना का रूल आ गया है। अब इसको सॉल्व करो गुना के रूप में, तो जब भी इसको गुना के रूप में सॉल्व करोगे तो गाइस क्या होता है इसमें, यहाँ पर कितना है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया। अब गाइस, आपके पास पास बचा क्या, 6 गुना 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6, अब 5 गुना 1 कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर जोड़ है, आपको जोड़ लिखना है। अब सेकंड गाइस, अब यहाँ पर आप सॉल्व करो, 6 कम 6 पूरा हो गया। अब गाइस क्या होगा, 3 गुना आपका यहाँ पर, सॉरी 3 गुना नहीं है, आपका ऊपर है, 6 गुना 1 यहाँ पर 1 आया है, तो 3 गुना 1 3 आ जाएगा, और बट्टा 1 गुना 8 आने का बाद आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद माइनस आपको यहाँ माइनस 5/4 आप जो है 5/4 ये आपको लिखना है, ठीक है। अब गाइस, यहाँ जो आपका सवाल आया है, ये भिन्न का आपको जोर और घटा के रूप में आया है, तो अब इसको यहाँ से सॉल्व करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 8, 5 और 4 ये तीनों का जब एलसीएम लेंगे, 8, 5, 4 चलो हम इधर सब एलसीएम लेकर चेक करते हैं, कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 8 और 4 ये तीनों का एलसीएम लेते हैं, 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, ये तो कटेगा नहीं, 5 का 5, ये 4 और ये 2 आ जाएगा, फिर इसको हम 2 से भाग लगाएंगे कितना, ये 5 का 5 ही रह जाएगा, और ये 2 का 4 और 2 का 2। तो गाइस, आपके पास आ जाता है यहाँ पर कितना, देखो यहाँ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2, तो गाइस 2 गुना 4 और 4 5 20 और 20 दुना कितना आता है, 40 आता है। तो गाइस, आपका एलसीएम जो होगा कितना आ चुका है, यहाँ पर हम लिख देते हैं साफ साफ में, एलसीएम गाइस आपका आ चुका है 40, ठीक है, यानी 40 आपका एलसीएम आ चुका है, ठीक है। इन तीनों हर जो है, हर का हम एलसीएम करते हैं ना, तो इन तीनों हर का जो एलसीएम किया, तो कितना आ चुका है, 40 आ चुका है, ठीक है। अब इस 40 में हम क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं, भाग करेंगे तो 5 भागा 40, तो 5 8 40 8 बार में करता है, ठीक है, 8 बार में करता है, तो हम ये लिखते हैं 8 और गुना यहाँ आ जाएगा 6, फिर प्लस इसको भाग करेंगे तो 8 5 40 5 बार में करता है, 8
आठ एक बार आठ दूना सोलह आठ ये चौबीस आठ चक बत्तीस आठ पच्चे चालीस पांच बार में यहाँ पांच गुना ऊपर में आपका जो है वही लिखेंगे तीन। अब उसके बाद फिर माइनस क्या है यहाँ माइनस लिखना है ये माइनस का माइनस। अब चार गुना दस करेंगे तो चार दही चालीस दस बार में तो लिखेंगे दस और आपका फिर माइनस कितना हो जाएगा सॉरी दस और गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर पांच हो जाएगा। अब इसको आप गुना कर लो ठीक है आठ गुना छह आठ छह कितना हो जाएगा अड़तालीस फिर प्लस उसके बाद पांच गुना तीन पांच दिए पंद्रह हो जाएगा उसके बाद फिर हो जाएगा माइनस पांच दही पचास अब बट्टा आपका चालीस हो जाएगा नीचे में जो ये चालीस है चालीस लिखे ठीक है गाइस। अब गाइस यहाँ पर क्या करना है ये जोड़ है ये जोड़ है जोड़ का मतलब दोनों को जोड़ना है तो अड़तालीस और पंद्रह दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस अड़तालीस पंद्रह को दोनों को जोड़ने पर आपका तिरसठ हो जाएगा ठीक है यहाँ लिखते हैं तिरसठ अब माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका पचास अब बट्टा हो जाएगा आपका चालीस। अब गाइस यहाँ पर ध्यान दो तिरसठ में जब पचास जाएगा कितना बचेगा तेरह बट्टा चालीस ये आपका आंसर हो गया तेरह बट्टा चालीस है ना। तो इसी प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को तो लाइक करना ही है ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ अगली वीडियो में ओके गाइस।